तो भाई आपका भी May 24 का अटेम्प्ट है ना, और आपने पूरी रिवीजन वगैरह क्लासेस वगैरह सारी पूरी की पूरी तैयारी अपनी कर ली होगी। बट मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं भाई, एंड तक आके भी सीन क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को, मतलब मेजॉरिटी बच्चों को ये श्योरिटी नहीं होती कि मैं पास भी होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या मेरी तैयारी उस लेवल तक है कि मैं इसको क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आप सबको भी पता है कि सीए का पासिंग परसेंटेज कैसा है और आईसीआई की जो चेकिंग है वो किस तरीके की है, तो मोस्टली बच्चों को इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती कि मेरी तैयारी उस लेवल की है, क्या मैंने उस लेवल तक का प्रिपेयर कर लिया है, क्या एग्ज़ाम में मेरे को सब कुछ आएगा, क्या मैं एग्ज़ाम में अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँगा, क्या मैं सभी क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाऊँगा। तो ये क्वेश्चन मेजॉरिटी बच्चों के माइंड में चलते हैं, और लिटरली जब मैं भी था अपने उस फेज़ में, जब मेरा November 23 अटैम्प्ट था, तो उस टाइम पे मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चंस चलते थे लास्ट के 10-15 दिनों के अंदर कि क्या यार मैंने सही से प्रिपेयर करा है, क्या मेरी तैयारी उस लेवल की पहुंच पाई है। सो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे साथ अगर ये हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, बट अगर तुम इसके लिए एक्शन नहीं लेते तो आप खुद को रिस्क में रख रहे हो। और मेरी ये पर्सनल गाइडेंस आपके लिए कि ऐसा रिस्क आप मत लो, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे पास एज सच कोई गाइडेंस वाला नहीं था, मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके, सेल्फ गाइड करके अपने आप को पुश करा और पेपर दिए। मेरा पेपर देने के बाद भी मैं रिस्क के अंदर था कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहेगा। बेशक मैं आपको व्लॉग्स वगैरह में या फिर जैसे तैसे रिज़ल्ट वाले दिन भी शो करता हूँ कि हाँ अच्छे से मेरा हुआ है, बट रिस्क में मैं था ऑलरेडी, और आपको मेरे मार्क्स से भी पता लगेगा कि हाँ रिस्क में था। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये रिस्क हो, क्योंकि आपके पास अगर कोई गाइडेंस वाला नहीं है तो हम आपके लिए गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम यही होती है कि आपको पता नहीं होता कि आपकी तैयारी आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, और अगर आप कोई मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसे इम्प्रूव कैसे करना है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हो। तो May 24 वाले बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले कोई मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह दिए होंगे, उसमें मान लो हमने कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में या पर्टिकुलर टॉपिक में हमने कोई गलती करी है। अब क्या होता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि अगर हमने कोई गलती पहले करी हो, हम उस गलती को रिपीट कर देते हैं, जब तक कि हमने उस चीज़ का सॉल्यूशन भी देख लिया होगा और उस चीज़ का माइंड में बिठा भी लिया होगा कि ये गलती नहीं करनी है। बट ऐसी साइकोलॉजी आ जाती है क्योंकि हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं है ना कि हमारी ये गलती हो रही है और इसको इस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए, तो इसीलिए हम गलतियों को रिपीट कर देते हैं, और गलतियों को रिपीट करने की वजह से ही हमारे मार्क्स कटते हैं और एग्ज़ाम में हमारा एकदम से प्रेशर बन जाता है कि ये तो करा हुआ था फिर भी मेरी गलती कैसे हो गई। सो इसके लिए हमने डिसाइड करा, मैंने देवू ने प्रॉपरली एक प्लान बनाया कि मतलब इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। हम आपके लिए लेके आए हैं आखिरी परीक्षा। सो ये एक यूनिक नेम फॉर अ यूनिक ऑडियंस फॉर योर यूनिक मार्क्स, तो आपके बहुत ही बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं, इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो देखो भाई, ये जो आखिरी परीक्षा है इसमें आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, एग्ज़ाम्स मतलब प्रॉपरली 3 घंटे का टेस्ट लिया जाएगा, एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसलिए मैंने इसको आखिरी परीक्षा नाम दिया है कि एग्ज़ाम से पहले, रियल एग्ज़ाम्स में बैठने से पहले आपकी आखिरी परीक्षा हम लेंगे कि आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट और करनी है। और इसको सिर्फ हम चेक करके नहीं देंगे, आपको प्रॉपरली इवेल्युएशन के साथ साथ इम्प्रूवमेंट प्लस गलतियाँ लिख के देंगे, और आपके पास एक रिकॉर्ड होगा अपनी गलतियों का कि ये नहीं करना है अब। और जब कोई सामने वाला आपके अंदर कोई कमी निकालता है, कोई गलती करता है, तो दिल पर लगती है चीज़, बट हम आपके दिल पर लगाने के लिए नहीं, हम आपको इम्प्रूव करने के लिए वो चीज़ दे रहे हैं। और ये जो प्रॉपर आपका टेस्ट प्रिपेयर करा जाएगा, ये प्रॉपर ICI की वेटेज के हिसाब से, ICI के पैटर्न के हिसाब से किया जाएगा। टाइमिंग 2 से 5 रहने वाली है, बिल्कुल ICI की टाइमिंग रहेगी। इसकी डेट्स जो रहेंगी वो आपकी रहेंगी सैटरडे, संडे और आपका मंडे। इन तारीख को हम आपको टेस्ट देंगे, आपको प्रॉपरली 2 से 5 तक टेस्ट देना है जेन्युइनली, और उसके बाद आपको चेक होके आपकी शीट मिलेगी। और सिर्फ चेक होके नहीं, आपको प्रॉपरली आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करके बताया जाएगा, साथ के साथ उसे इम्प्रूव कैसे करना है वो बताया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं ही सारे सब्जेक्टों को पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे सब्जेक्टों की एक्सपर्टीज़ नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 1 के साथ, ताकि ग्रुप 1
का एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा ज़्यादा बढ़िया रहता है नहीं रहता है। उसके बाद हम अगले अटेम्प्ट में बोध ग्रुप का भी ट्राई करेंगे। बाकी अगर आपकी डिमांड रही तो हम बोध ग्रुप का भी इसी बार ला सकते हैं। मैं चेक करने वाला हूँ या फिर मैं आपका प्रॉपरली गाइड करने वाला हूँ, सुपरवाइज़ करने वाला हूँ अकाउंट्स के लिए। देवू जो कि हमारा टैक्सेशन के लिए रखने वाला है, उसके 70 की लाइन में टैक्स में मार्क्स आए हैं, प्लस जीटी के अंदर वो टैक्सेशन की लाइन में ही है, ग्रैंड थ्रॉन्टन आपको फॉर्म अगर पता होगी तो। मेरा अकाउंट्स में आपका पता ही, आप मेरे को पहले से जानते ही हो, अकाउंट्स में मेरी ऑलरेडी एक्सपर्टीज है और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपकी कहाँ गलती है और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। जो इसका प्राइस हो जाता है, मैं आपको डायरेक्टली ओपनली मैं प्राइस के लिए बता दूँ कि इसका जो प्राइस है, पहले 29 बच्चों के लिए 29 रुपीज़ का हमने प्राइस रखा है। तो ये मतलब पैसे कमाने का वो नहीं है, क्योंकि मैं इसे पेड इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता है। अगर मैं यही जो भी हम एग्ज़ाम आपका ले रहे हैं, अगर मैं इसको फ्री रख दूंगा तो इसकी एक तरीके से वैल्यू जीरो हो जाएगी, कोई बच्चा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। बट अगर आपने 29 रुपीज़ पर सब्जेक्ट अगर पे कर दिए, सो कहीं ना कहीं आपकी कोई डेडिकेशन दिखेगी कि हाँ पैसे पे करें तो मैं एग्ज़ाम दूँ। तो ये चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इसमें अपने कुछ पैसे, मेरे हिसाब से 100 रुपये से भी कम, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं भाई, आपके हाथ में है, आप डिसाइड कर लो कि आपको अपने आप को रिस्क में रखना है या फिर एक अच्छे से बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दे के आना है। लास्ट में कंक्लूड करते हुए यही कहूँगा कि मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप इसमें एनरोल करो। इसका एनरोल करने के लिए मैंने गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। और ऐसा भी ऑप्शन है कि आप सिर्फ अकाउंट्स का देना चाहते हो, या फिर अकाउंट्स और सिर्फ लॉ का देना चाहते हो, या अकाउंट्स और टैक्स का देना चाहते हो, या तीनों का देना चाहते हो, मतलब सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के हमने आपको ऑप्शन दे दिए हैं। आप उस हिसाब से एनरोलमेंट कर सकते हो, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो कर सकते हो। बाकी मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप तीनों का दो, ठीक है। और लॉ के लिए भी हमारा एक सरप्राइज़, मतलब एक तरीके से चेकर है जो कि अच्छे खासे उसके नंबर लॉ में आए हैं। इसीलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप इसमें एनरोलमेंट करो और अपने रिजल्ट के लिए श्योर हो जाओ कि हाँ मेरा रिजल्ट बढ़िया होने वाला है। तो भाई लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जब आपके पास हमारे जैसा गाइड करने वाला बंदा है जो कि लेटेस्ट उसने ये सारी चीज़ें फेस करी हैं, मेरा नवंबर 23 अटेम्प्ट था तो हमने सारी चीज़ें फेस करी हैं, हमको 10-15 साल पुराने बंदे नहीं है, तो हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि क्या इन्वायरमेंट रहता है, क्या चल रहा है आजकल आईसीआई का ट्रेंड, और उस हिसाब से हम आपको सारी चीज़ें गाइड कर सकते हैं। तो जब आपके पास हमारे जैसा गाइडेंस वाला बंदा, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, फटाफट से एनरोल करो। मिलते हैं आपसे 27 तारीख को ऑन एग्ज़ाम, और प्रॉपरली उससे मतलब एग्ज़ाम से पहले एक जूम मीटिंग होगी 10 मिनट की, जिसमें आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा मैं कैसे कैसे क्या करना है, और आप फिर अच्छे से एग्ज़ाम देना। आपको इवेल्युएट होके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पास कॉपी पहुँच जाएगी। उसकी प्रॉपर डिटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, जो कि एक नया टेलीग्राम चैनल मैं बनाने वाला हूँ। आपको सिंपली जब आप मतलब गूगल फॉर्म फिल कर दोगे, उसमें प्रॉपरली अपना स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कर दोगे, हम आपको एक नए टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने इसके अंदर एनरोल करा है। मिलते हैं आपसे इस एग्ज़ाम्स के अंदर। थैंक यू एंड पीस आउट।